हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो हमारे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अपनी अपनी लाइफ को बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो सलमान भाई, आज क्या दिखाने वाले हैं हम भाइयों को? आज का टॉपिक है भाई, 16 न्यू सिटी टू गेट मोस्ट एडवांस एंड फास्ट मेट्रो सिस्टम। मतलब मेट्रो सिस्टम का ही है आज, मेट्रो सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। यार मेट्रो सिस्टम तो बड़ा ही कमाल का है इंडिया का। वैसे मकसद देखते रहे, मेरे ख्याल में पहली वीडियो देखी थी ऑल मेट्रो में, टोटल ऑल मेट्रो सिस्टम देखा था इंडिया का। इसमें मतलब है कि 16 न्यू सिटीज में जो अभी डेवलप हो रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट है, वही देखेंगे आज। तो फ्रेंड्स, आज लगता है बहुत मजा आने वाला है हमें भी और आपको भी। तो वीडियो का टाइटल आपको बता दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू है और हमारा भी यहाँ पर ड्रीम है कि भारत की जितनी भी मेजर सिटीज़ है सब में हमें किसी ना किसी टाइप की मेट्रो लानी ही है, चाहे वो मेट्रो हो, मेट्रो नियो हो या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइट मेट्रो रेल्स हो। इसी बीच अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ एक खबर निकल कर आ चुकी है। अब इन्हें तो 16 प्रपोजल मिल चुके हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर न्यू मेट्रो रेल कॉरिडोर्स भारत में बनाने के लिए। हाल ही में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अच्छा सलमान भाई, मेट्रो का जो एक प्रोजेक्ट है, बेशक छोटा हो या बड़ा, उसको बनाने में यार पैसा बहुत लगता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो इतने प्रोजेक्ट इंडिया कहाँ से रोजाना इसके नए प्रोजेक्ट होते हैं? वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बजट ज्यादा है यार, इनिशिएट करना चाहिए इस तरह के डेवलपमेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स का। फिर वो लोग फंडिंग की तरफ प्रोग्रेस करेंगे फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे मेट्रो रेल्स भी शामिल है। 2017 में एक मेट्रो रेल पॉलिसी आई थी। इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश करती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जो हम हमारे सिटीज में बना रहे हैं। और इसके बाद से तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी सारे शहरों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भी मेट्रो चाहिए, उन्हें भी अपने सिटीज में मेट्रो चाहिए। सो इसके बाद अब हमने फिर कैटेगरी डिसाइड की कि इतनी पॉपुलेशन के लिए मेट्रो, इतनी पॉपुलेशन के लिए मेट्रो लाइट या फिर मेट्रो न्यू, ऐसे तमाम सारे डिफरेंट कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए एक अलग अलग टाइप के मेट्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और हाल ही में अभी इनको काफ़ी सारा प्रपोजल मिल चुका है काफ़ी सारे सिटीज़ में से। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए भी इन्हें मिल चुका है, 5 ईयर्स में ये पूरा तैयार होगा। 43.67 किलोमीटर, इतना लंबा ये कॉरिडोर है फेज 4 का। फिर नागपुर के लिए भी यहाँ पर 43.8 किलोमीटर, इनका ये जो नागपुर मेट्रो फेज 2 है इसका भी प्रपोजल किया गया है। फिर थाने मेट्रो, नासिक मेट्रो नियो, अब नासिक मेट्रो नियो ये भारत की पहली मेट्रो नियो सर्विस हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है ये मेट्रो भी। इसके अलावा और भी कई तमाम प्रपोजल्स सेंटर को भेज दिए गए हैं, जिसमें गोरखपुर, जम्मू मेट्रो लाइट, फिर श्रीनगर मेट्रो लाइट, चेन्नई की मेट्रो फेज 2, गुरुग्राम और देहरादून, NCR, ऐसे तमाम सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के काफ़ी सारे फेसेस शामिल हैं। वैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो इसमें चाइना सबसे ज़्यादा आगे है। यहाँ पर चाइना की जो सिटीज़ है, ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटीज़ में इन्होंने मेट्रो, फिर मोनो रेल और भी कई तमाम वर्टिकल ट्रेन्स, ऐसे काफ़ी सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाकर सभी अपने सिटीज़ को अच्छे से इन्होंने कनेक्ट किया है। 2020 के अगर हम डेटा को देखें, यहाँ पर जो निकल कर आया था उस टाइम पर ही इनके पास 7,355 किलोमीटर्स का एक काफ़ी मैसिव सिटी के बीच मेट्रो का जाल इनके पास मौजूद है। वहीं इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10 गुना कम, ऑलमोस्ट 1/10 हम जो चाइना का नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में मौजूद है, विच इज़ 741.7 किलोमीटर्स का एज ऑफ दिसंबर 2021 का। बट अब काफ़ी सारे और भी तमाम सिटीज़ में हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स का इनिशिएशन कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी हमारी एग्जिस्टिंग मेट्रो है उसमें भी काफ़ी सारे फेजेस हम ऐड करके इनका नेटवर्क भी अब काफ़ी तेज़ी से यहाँ ग्रो होगा, एक दूसरे से यहाँ पर सिटी कनेक्ट होगी। और एक सस्टेनेबल सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए इस तरह के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक काफ़ी बेहतरीन विकल्प है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? यार मैं ये कहूँगा कि जैसे चाइना का हवाला दिया उन्होंने, चाइना ने बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। सही बात है। तो इंडिया ने भी काम पहले से किया, लेकिन चाइना ज़्यादा तरक्की में था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क बना लिया और बहुत बड़ी लेंथ बना दी मेट्रो। सलमान भाई, ये तो पक्की बात है कि चाइना जो है वो इंडिया से कई गुना आगे है। सही है ये पीछे जा रहे हैं, उसके भाग मतलब रहे हैं। अब इंडिया का भी देख लें कि यार
पहली बात ये है समझ में, कितना एक प्रोजेक्ट हो ना अगर छोटे से छोटा, कितने अरबों खरबों लग जाते हैं उस पर, सही है। अब देखिए ये इंडिया के, मुझे तो याद नहीं है कि कोई इंडिया का प्रोजेक्ट कभी ना आया हो। मैं तो जब भी न्यूज़ देखता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, जिस चीज़ तरफ भी चले जाओ ना, मतलब रोड्स के हवाले से चले जाओ या उसके एयरपोर्ट्स के हवाले से चले जाओ, उसके बाद ट्रेन के हवाले से चले जाओ, और यार एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, हाँ तो जिस तरफ भी चले जाओ नए उसके प्रोजेक्ट होते हैं। देखो ना, हम पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया से तो पाकिस्तान पीछे है काफी ज्यादा। पाकिस्तान तो सलमान भाई बहुत इस मामले में खास तो ये है ना कि इंडिया के पास भाई इतना पैसा कहाँ से आता है, उसके पास कोई पैसे के पहाड़ है क्या बात है। मैं आपको बताऊं इतना गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट मजबूत है। और देखो ना, काफी अरसे से मोदी जी रुक गए हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट चला रहे हैं वो, आखिर उनकी कारकर्दगी है तो वो दोबारा आ जाते हैं। सही बात है, नहीं तो हमारी तरफ भी तो है भाई, एक साल भी कोई, दो साल, पाँच साल तो बड़ी मुश्किल से है ना, मुश्किल से टिकते हैं, बस एक दो साल में ही इसका कबाड़ा कर देते हैं। और यही है ना कि हमारी फाइनेंशियल भी हम वीक है, सही बात, ठीक है ना, तो इस वजह से प्रोजेक्ट भी नहीं तैयार। अगर प्रोजेक्ट आते भी है ना तो वो पूरे नहीं होते, बिल्कुल पूरे नहीं होते, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई ना कोई रोला पड़ जाता है, बस वो तो अगर बनते भी हैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि आधा अधूरा काम हो जाता है, बस वही पड़ा, या फिर कैंसिल हो गए या फिर कुछ मामला आ गया। और अगर ऐसा है कि मतलब उन्हें शक लगता है कि जी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तब पता क्या करते हैं, तब मुझे लगता है ऐसा करते हैं जो काम हो जाता है, मतलब जिसको दो साल में कंप्लीट होना है वो एक साल में ऐसे मिक्स करके कंप्लीट कर देते हैं, जो भी जैसा अपनी तख्ती लगा देते हैं, हाँ बस अपने नाम की तख्ती लगा दी, हमने बनाई है। हाँ सही बात है, ऐसा ही है। तो यार ये गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कह सकते यार, वो उनका जन्म, लेकिन इंडिया का जो है ना अप्रिशिएट करते हैं उनको कि उनकी गवर्नमेंट मजबूत है, सही बात, वो काम करती है और सही दिल से करती है। तो फ्रेंड्स दिल खुश हुआ इस वीडियो को देख के, इंडिया के रोजाना नए प्रोजेक्ट्स के बारे में देख के, और अगर आपके माइंड में इससे भी और कोई जिसका हमें पता ना हो न्यू प्रोजेक्ट्स हों भाई, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैंसेज कीजिए, मेंशन कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।